दुनिया में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आप ये सिस्टम कब तक चालू रखना चाहते हैं? मैं तो अभी चालू ये 3 साल हो गया। सुबह में अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा तो जॉब है, तो सुबह में ग्रीन जूस एक गिलास पी के जाता हूँ। अच्छा। दोपहर को फ्रूट में एक आधे एप्पल खा लेता हूँ, का थोड़ा पपैया खा लेता हूँ। फिर शाम को आके 20-30% पकाया हुआ खाता हूँ, बाकी 70-80% में कच्चा ग्रीन सलाद रहता है मेरे को। आज को मेरे को मैं हमारा मियाँ बीबी दोनों को यही सिस्टम हो गया है। मतलब ये सिस्टम आप अभी तक चालू है, 3 साल हो गया, लाइफ स्टाइल चालू रखना चाहते हैं? अभी ऐसा लगता है लाइफ स्टाइल हो गया, पकाया हुआ खाने का मन ही नहीं करता है। सही बात है, कहीं कभी कभार खा लिया वो अलग बात है, तो खा लेता है, किसी को नाराज नहीं करता है, तो ये अच्छा लगता है। आपने आपका एक्सपीरियंस दिया, तो किसी को भी आपके जैसा प्रॉब्लम होगा तो ये स्टूडेंट क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, जो ये अच्छा है अपना शरीर के लिए सबसे बेस्ट है न्यू डाइट सिस्टम। तो नहीं, ये लोग थी मैं बंद करने का मेरा मेन कारण, मैं छोटा था, मेरा उम्र तो 60 साल के आसपास होने आया। मैं 5-6 साल का था तो मेरा फादर को कैंसर हुआ था। अच्छा। बहुत दवा किया था, कोई बाकी नहीं रखा था, हमारा घर पूरा खाली हो गया था, दवाई में पूरा खर्चा हो गया, साफ। फिर भी चले, डॉक्टर ने बोल दिया था घर पे लेके जाओ, सेवा करो, और बाद में 1 महीने के बाद एक्सपायर हो गया। ये सिस्टम में आने से मेरे को इसलिए था कि एलोपैथी में कुछ नहीं है, इसलिए जो उपाध्याय साहब ने बोला था डॉक्टर ने, तेरे को कैंसर है। अच्छा, वो पारोक के टॉकीज के सामने वही उपाध्याय, तब से मैं ओके मैं बंद कर दिया था। ओके, अच्छी बात है, थैंक यू। मैं ये सीधा मोबाइल पे ढूंढने लगा, काड़ू भाई सावलिया की प्रेरणा मिला मेरे को। ओके, थैंक यू।